जी फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म में। और आज एक स्पेशल वीडियो लेके आए हम गायों के अंदर एक जो बीमारी चल रही है लंपी स्किन डिजीज के नाम से। तो आज हम पहुंचे हैं कनीणा और ज़िला महेंद्रगढ़, ये छोटा सा कस्बा है। और इस कस्बे में हम आए हैं विक्की पंसारी सर के यहाँ, तो एक बार मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा आपको। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो एक बार पूरा अपना एड्रेस बता दीजिए साहब। विक्की पंसारी कनीणा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। विक्की पंसारी कनीणा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। और मोबाइल नंबर और बता दीजिए साहब। मोबाइल नंबर है 94161 57532, 94161 57532, ये इनका फ़ोन नंबर है। तो जो भी भाई बाहर से देखने वाले हैं, आसपास के देखने वाले हैं, तो इस बीमारी की जो दवाई मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इनसे। तो एक बार इस बीमारी की पूरी डिटेल, कैसे शुरुआत होती है इसकी, किस प्रकार ये बढ़ती है और किस प्रकार इसका इलाज किया जा रहा है, तो उसके बारे में सर से पूछना चाहूँगा मैं। तो सर, ये अपनी घरेलू गायें हैं? ये अपनी घर की गाय है। हाँ, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी गायें, आप देख भी रहे हो। आज जिस प्रकार से जो बीमारी चल रही है, मेरे को लग रहा है कोई गायें बाकी बची होंगी, लगभग गायों में ये बीमारी फैल चुकी है। जी जी जी। मगर हमने ये तीन गायें यहाँ पे देखी है, बिल्कुल साफ सुथरी। तो एक कारण ये भी है कि सर खुद जो औषधियाँ बना रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अपनी गायों पे टेस्ट किया है, उसके बाद इन्होंने वो आइटम बाहर निकाला है। तो सबसे पहले इन गायों पे उसका कारगर असर हुआ है, ये उस बीमारी से बच गई हैं, उसके बाद सर ने वो प्रोडक्ट बाहर निकाला है। तो एक बार साहब उसके बारे में और बताइए हमको। देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी आपदा, एक ऐसी आपदा थी जो कोरोना से भी बड़ी और विशाल थी, जिन्होंने हमारी गौ माता ने अपने शरीर पे लेके हम इंसानों की रक्षा की। लेकिन आज हमारा एक कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य को समझ नहीं रहे हैं। लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं, इस आपदा की घड़ी में भी लोग पैसा कमाने के चक्रों में लगे हैं। लेकिन मैं आप सभी किसान भाइयों को, सभी यूट्यूबरों को, जितने भी गोरक्षक हैं, जितने भी गौ सेवक हैं, सभी से अपील करता हूं कि एक छोटा सा फार्मूला हमारी इन देशी गोवंशों को इस महाबड़ी महाभयानक बीमारी से, इस आपदा से बचाने में बहुत ही अच्छा मेन मुख्य रोल निभा रही है। कुछ ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग आपको करना है। दोस्तों, कोई प्रोडक्ट, आज आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं लोग। इस महाबीमारी में, इस महामारी में लोग पैसा कमाने के चक्रों में लगे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सच्चे गोपालक हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग करके आप अपनी गौ माता को तंदुरुस्त रख सकते हैं, हेल्थी रख सकते हैं, इनके शरीर में कोई बीमारियां नहीं आई। तो आप जड़ी बूटियां नोट कीजिए। नंबर एक जड़ी बूटी है कालाजीरी। कालाजीरी एक ऐसी महाऔषधि है जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। कालाजीरी को साहब किसी और नाम से भी जाना जाता है? सिर्फ कालाजीरी को कालाजीरी ही कहते हैं लोग। तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो हर शहर के अंदर पंसारी की दुकानें होती है, वहाँ मिल जाएगी। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि या तो पंसारी आपको कालाजीरा दे देता है। हाँ जी, क्योंकि वो कालाजीरा सस्ता आता है और कालाजीरी का रेट थोड़े से हैवी होते हैं। काला जीरी याद रहे, काला जीरा नहीं लेना, काला जीरा कोई काम नहीं करेगा इस बीमारी में। काला जीरी अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी लेनी है आपको, काला जीरी, सनाए पत्ती, हल्दी, आंवला, ये चार साधारण सी जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, लोगों ने क्या किया कि इस बीमारी के लिए इस तरह की जड़ी बूटियां बता दी कि वो जड़ी बूटियां कहीं मिलती ही नहीं। हाँ, ये हो रहा साहब। जो जड़ी बूटियां मिलती ही नहीं है उनका आप उपयोग कैसे करेंगे? लेकिन हमने जो आपको फार्मूला बताया है, ये फार्मूला मैंने सिर्फ मेरी इन गायों पे प्रयोग नहीं किया है, हजारों गायों पे प्रयोग करके देखा है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस महामारी से बाहर लेके आएंगी ये चार जड़ी बूटियाँ।
हल्दी, आंवला, कालाजीरी और सनायपत्ती, इन चारों जड़ी बूटियों को आप 200-200 ग्राम की मात्रा में लीजिए, बारीक ग्राइंड कीजिए और 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को आप अपनी गाय को गुड़ के अंदर या देसी घी, गाय का देसी घी मिल जाए तो दी बेस्ट है, गाय के देसी घी के अंदर मिला के खिला दीजिए, सुबह शाम खिलाना है। मात्र 7-10 दिन में आपकी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक और पूछना चाहूंगा सर मैं। जी, जैसे कई बार गाय नहीं खाती घी में, जी तो घी में ना खाएं तो गुड़ में खिला सकते, गुड़ में खिला दें, रोटी में धर के खिला सकते, रोटी में धर के, चारे में मिला के खिला, पेट में जानी चाहिए। सर्वप्रिय है घी, देसी गाय के घी में मिलाइए, उसके बाद आप कैसे भी खिला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार ये बताइए इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। देखिए ऐसा है कि इस बीमारी में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पशु के जो ये हिस्सा है ना मेन, या तो ये हिस्सा, हाँ जी, या फिर यहाँ पे, हाँ जी, जननांगों के पास, अडर के पास, छोटी छोटी जैसे हमारे शरीर पे अलाई हो जाती है, हाँ हाँ हाँ, छोटी छोटी फुंसियां होंगी, फिर ये पूरा शरीर भर जाएगा, थोड़ा सोजन सा जाता है, सोजन आ जाएगा, हिप पे सोजन आ जाएगा, पैरों में सोजन आ जाएगा, पशु के मुंह पे भी सोजन आ जाएगा, पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, पशु खाना खाना छोड़ देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं हमारी गाय बिल्कुल हेल्थी है। तो सभी भाई इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत कैसे होती है इसकी। बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है। जागरूकता के साथ इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और आप इस बीमारी से लड़े, आपके पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदुस्तान के लाखों किसान परेशान हैं इस छोटी सी बीमारी को। देखिए दोस्तों, मेरे को तो ये बीमारी बड़ी छोटी लग रही है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने ऐसा फार्मूला दिया है, ये चार साधारण सी जड़ी बूटियाँ, आप देखिए हमारी गाय बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं पर आपको एक टिकारी भी नहीं दिखेगी। हाँ बिल्कुल साफ सुथरी साहब, ये तो हमने आते ही देख लिया था, तीनों गाय आपकी बिल्कुल किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी गायों में नहीं आएगी। तो एक बार ये आपकी जो जड़ी बूटी है वो हमको दिखा दीजिए, जड़ी बूटियां भी दिखा देता हूँ एक बार, मैं आपको दूसरी गाय और दिखा देता हूँ इनकी कैसे है दूसरी, बिल्कुल देखो कहीं पूरे शरीर पे बिल्कुल साफ सुंदर। ये तो हम इसको नहलाते धुलाते कम है, हाँ गायों को थोड़ा नहलाते कम है साहब, जी 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 जी, मैं सौ में थोड़ा ज्यादा होता है नहलाने का, बिल्कुल आप सामने देख भी रहे हो, कहीं भी कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी नहीं है। तो सर की जड़ी बूटियों का कमाल है ये, एक तीसरी बछिया ये बैठी है बिल्कुल साफ सुथरी, ये रेत मिट्टी लगा लेते हैं शरीर पे, कोई भी कोई किसी प्रकार का कोई निशान, कोई फोड़ा फुंसी ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल देख रहे हो आप सामने। तो ऐसी ही आपकी गाय भी रह सकती है, मगर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये नहीं है कि आप उनको डॉक्टर के भरोसे छोड़ दें या भगवान के भरोसे छोड़ दें, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गौमाता में ये बीमारी आई है इसका इलाज हमको ही करना है, तो इसमें जो सर ने बताया था चार जो जड़ी बूटियाँ, वो अपने आसपास के पंसारी से भी ले सकते हैं और आसपास के यहाँ से जो देखने वाले हरियाणा से, तो कॉन्टैक्ट नंबर का सर का हमने दे दिया है, वो इनसे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जड़ी बूटियों की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो आपकी गौ माता को कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इस तरह से जड़ी बूटी ले लीजिए, ये देखिए कलर आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा बिल्कुल ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, उसके अंदर आप इस तरह से देसी गाय का घी थोड़ा सा मिला दीजिए। तो ये एक गाय को कितना देना सब टाइम का, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, ये 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम का आटा है, ये चने का आटा, और इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए, मिला दीजिए, ये देख रहे हैं इसकी सुगंध बड़ी अच्छी आ रही है साहब, ये दवा तैयार हो गई है आपकी गाय की, और अब आप इसको आराम से अपनी गाय को खिला। थोड़ा मैं एक बार और भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि पहली बार जिस गाय को आप खिलाओगे तो थोड़ा सा एक बार खाने में सेकंड के लिए, हाँ थोड़ा सा करेगी सेंसिटिव, हाँ उसकी खुशबू लेगी, खुशबू लेगी थोड़ा सा उनको, हाँ 5-10 मिनट उनके आगे रखिए आराम से, तो धीरे धीरे खा लेगी। और फिर भी सर ने बताया कि घी में अगर ना खाए तो आप गुड़ में भी दे सकते हैं, गुड़ में भी दे सकते हैं, चारे रोटी के अंदर, रोटी के अंदर भी दे सकते हैं, चारे में भी दे सकते हैं, ऐसे भी खिला सकते हैं, सुबह जैसे भूखी हो गए उस टाइम आप थोड़ा दाने के अंदर उसके अंदर भी दे सकते हैं। तो इस महाबीमारी से, इस महामारी से
बहुत बड़ी आपदा है हमारी गौ माता के ऊपर, और मुझे लगता है कि गौ माता ने हमारी ऊपर, हमारे ऊपर आने वाली आपदा को अपने ऊपर लिया है। तो आप इस वीडियो को जरूर, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका सभी पशु चिकित्सकों से, जितने भी पशु चिकित्सक हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोगों के घर घर जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक भी गाय हमें छोड़ के नहीं जाएगी। गोवंश को बचाने की हमारी इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। जितने भी गोपुत्र हैं, जितने भी गौसेवक हैं, जितने भी गोरक्षक हैं, उन सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये साधारण सी चार जड़ी बूटियां हमारी गौ माता की रक्षा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जय जवान, जय किसान।